जोर नहीं आया काम करने लगी तो मैं मंदिर में ये भी नहीं पता कितने का लेगी मैं धक्को वाले काम करने लगी तो सीधे टिकायन बन लग रही थी। तो जी आप सबका दिल से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और जो तो भी डिस्कशन चल रही थी तो फाइनल हो गया, अभी चीकू को पुराने वाले दे देंगे और अंशु के लेके आएंगे नए, क्योंकि ये भी नए थोड़े दिन पहले लेके आए थे हम, इसलिए। तो अभी चलते हैं जी मार्केट में, और रास्ते में थे जी समोसे बर्गर और पानी पूरी की स्टाले लगी हुई थी, मुंह में पानी आ गया बच्चों को तो देख के ही। और फिर हम पहुंच जाते हैं जी ब्रह्मसरोवर पे। आने के बाद अंशु बोलता है कि मुझे एक चक्कर लेना है पापा स्कूटी का। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी इनको सिखाने तो है ही, बस इसके थोड़े से पैर रह रहे हैं लगने से, क्योंकि थोड़ी सी अगर इसकी हाइट लंबी होगी ना तो उसके पैर अच्छे से लगने लग जाएंगे और ये चलाने लग जाएगा, क्योंकि फिर ट्यूशन वगैरह भी जाया करेंगे दोनों भाई। तो इनको जो स्कूटी है हम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके दे देंगे भाई, इसलिए इसको सिखा रहे हैं हम अभी से थोड़ा थोड़ा। और भी ये फनी वीडियो बनाई थी हमने, शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो जी उसके बाद आ जाती है फिर मेरी बारी। मैंने बोला जी मुझे भी चलानी है स्कूटी, मुझे भी एक दो चक्कर दे दो। तो इन्होंने बोला चलो चला लो कोई बात नहीं। फिर मैं कहाँ रुकने वाली थी भाई, तो पापा की परी स्कूटी को लेके उड़ जाती है और फिर एक चक्कर में नहीं बात बनती। तो मैं भी चार पांच चक्कर ले लेती हूँ, ये रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं भाई, पापा की परी नहीं रुकने वाली। पापा की परी ने भी चार पाँच चक्कर लेके ही सांस लिया फिर तो, और मजा आ गया स्कूटी चला के। वाकई में बहुत टाइम के बाद चलाई थी। और फिर हमारी आ जाती है जी मार्केट की तरफ जाने की बारी। अब देखो मेरे साथ ये क्या करते हैं। और मैं भी तो हूँ। मैं तो ले जाऊँ। ये बात गलत हो रही बहुत ज्यादा। तो जी थोड़ा फन मस्ती करने के बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो देखते हैं कि छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ केले खा रहा है और कुछ दीवार के ऊपर चढ़े हुए। मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा दूं। तो जैसे ही हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा और बैठा हुआ है, और हम चीकू को चिढ़ा रहे थे, चीकू देख तू बैठा हुआ है दीवार के ऊपर, ऐसे फन मस्ती थोड़ी करते चीकू के साथ। और उसके बाद तो हमने देखा कि पेड़ के ऊपर भी चढ़ के बैठे हैं, जैसे चीकू करता है ना शैतानिया इस तरह से। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद कुछ सीन ऐसा होता है, अभी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लिया जाए कि गलती किसकी है। आप लोग पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक। कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने पहली बार देखा, भी मैंने आज से पहले जिंदगी में कभी ये बात देखी नहीं थी। और आप लोग पूरी वीडियो देखना लास्ट तक भी किसकी गलती है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कौन गलत है कौन सही है, तो एक बार जरूर बताना। भी हम भी यहाँ पे जूते लेने के लिए आए थे अंशु के स्कूल के, इसलिए। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पूरी देखो और बताओ किसकी गलती हो सकती है। नंबर लेके आइए वापस, फोन करके पूछ लो आंटी आप जैसे भी लेके आए वापस। चल यार तू क्यों लेना चाहिए थे, ये दिखाना यही तीन नंबर भाई मेरे को दिखा दीजिए, कितना टाइम लगा दीजिए। आपको ये भी नहीं पता कितने का लेगी, आप ये भी नहीं पता कब लेगी, आप कब लेगी को पता भी नहीं कब लेके गए हैं। नहीं मैंने ये तो नहीं बोला कब लेके गए भाई, ये तो झूठ। ओके टाइट तो नहीं है बिल्कुल भी 1% भी। कब आयो यार बताओ, मैं फिर कब आयो हमें बताओ, चले कितने दिन हो गए, नहीं फिर लेके यहाँ पे। अच्छा चप्पल ठार मंदिर में चल, चोर वाला काम करने लगी तो सिद्ध चोर है, चोर नहीं काम करने लगी तो ये भी नहीं पता कितने का लेगी मैं धक्को वाले काम करने लगी तो सीधे टिकायन बन लग रही थी। नहीं 100 रुपये में चप्पल पीछे डक्कू बन लग रही थी। अरे आंटी मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, आप 6 नंबर लेके आइयो, जोड़ा वापिस 6 नंबर आरू कट के ले जा रही। सर की कसम खा के कह रहा हूँ मेरे बाबा आगे बैठे 6 नंबर लेके आइयो। आप ये कैसे कह रही हो, यही नहीं यार तू जगह बार आप चेक करो मैं गुनादार हूँ, मैं गुनादार हूँ भाई। क्या चेक तो जी हम तो अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, पर उनका भी थोड़ा शूट हो गया अभी, लेकिन मैंने सोचा चलो दिखा दे आप लोगों को भी, बताना किसकी गलती हो सकती है, क्योंकि कहीं पे भी किसी के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूड़ी वाली शॉप पे, यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, जहाँ से मैं अपना दुकान के लिए सामान लेके जाती हूँ ना, तो यही शॉप अभी मैं यहीं से सामान लेके जाती हूँ। तो इन भैया ने थोड़ा सामान जो एक्सचेंज कर रखा है इधर, चूड़ियों का कर दिया, और मेरे को भैया से कड़े चूड़ियाँ और चूड़े इतने पसंद आ रहे थे ना, मन कर रहा था कि सारे ले लूँ। इसके बाद चीकू लेके आता है टॉयलेट ब्रश, और देख लो इसके कारनामे, मुंह पे लगा लगा के देख रहा है, मैं तो हैरान हो जाती हूँ इनकी हरकतों को देख देख के कई बार। तो
स्पेशली हम आए तो इसी काम के लिए थे, टॉयलेट ब्रश ही लेना था क्योंकि हमारा टॉयलेट ब्रश थोड़ा खराब हो गया। देख लो यहाँ पे भी हमारी चॉइस चल रही है, ले ले वो ले ले, ले। लेकिन चीकू को यही पसंद आ रखा था भाई। फिर यहाँ पे दो टाइप के थे, जो मैंने उठाए वाला एक चीकू के पास था तो दोनों ले लिए। तो मैं डॉक्टर साहब को दिखाती हूँ मैं कौन सा लें, तो इनको भी जो मैंने पसंद किया था वो वाला पसंद आता है। तो इसके बाद आ जाती है अभी इनको कच्चे दिलवाने की बारी, और इस पे भी दोनों भाई का सोच विचार बहुत चल रहा है। और दुकान में आके ना बहुत शरारते कर रहे थे ये दोनों भाई। तुम इतने शरारते क्यों? हाय मजा आ गया अब डांट खा के आगे। और तुम रोज सुनते हो मेरे पास आ जाकर, मैं तो सुनाने में बहुत मजा आता है। चलो तो जिनकी दीदी से डांट फटकार खाने के बाद फिर मेरे को लेना था जी मंगलसूत्र के लिए लड़ी। और फिर मैं मंगलसूत्र की लड़ी देखती हूँ भाई, मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि एक से एक थी भाई, कभी मन गया वो ले ले। तो उसके बाद फाइनली हम सारा सामान ले लेते हैं और फिर आ जाते हैं दुकान के बाहर। जी ये है भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, प्यारी सी। अभी मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा दूँ। उसके बाद चीकू को याद आया कि मुझे कड़ा लेना था, तो भाई कड़ा दिलवाने के लिए इसको हम ले आते हैं मेले में, जो ब्रह्म सरोवर पे लगा रहता है ना मेला, तो वहाँ पे तो बहुत सारी दुकानों पे हम देखते हैं। अभी इसको कोई साइज ही नहीं आता, कभी साइज नहीं आता, कभी छोटा है तो कभी बड़ा है, क्योंकि हाथ बड़े पतले पतले हैं ना इसके। तो फाइनली एक दुकान पे जाने के बाद इसको कड़ा पसंद आ ही जाता है भाई। और इधर देख लो यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी की जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है अभी पूरे बाजार को। ये देखो किस तरह से डेकोरेशन हो रखी है, अभी काम चल ही रहा था, लगा ही रहे थे यहाँ पे लोग। और इधर चीकू को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या लूं क्या नहीं, कभी ये खिलौने बोल रहा है कभी ये कड़ा बोल रहा है। तो उसके बाद अंशु को याद आ जाता है कि मेरी कॉपी खत्म हो रखी है, पापा तो मुझे कॉपी दिलवाओ, तो हम इनको कॉपी वगैरह दिलवाने के लिए आ जाते हैं अभी शॉप पे। और भीड़ देख लो भाई यहाँ पे, जब भी हम आते हैं तो अभी बहुत भीड़ होती है। और ये देख रहे थे शायद से अपने लिए एक बैग भी, पता नहीं इनको पसंद नहीं आया इन्होंने लिया नहीं। और चीकू का मुँह देखो कैसे तो जी बच्चे साथ हो और कुछ खाए पिए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत थक गए थे भाई, बहुत टाइम से घूम फिर रहे थे। तो इन्होंने बोला पापा हमें कुछ खिलाओ, तो हम आ चुके हैं साइल स्वीट हाउस पर। अभी यहाँ पे इनकी डिस्कशन चल रही थी, फाइनली डिसाइड हो गया था कि हमें खाने हैं समोसे। मैंने कहा चलो जब तक आता है तो आप लोगों को मैं इस खाने पीने की लिस्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखो भी रेट के साथ कुछ इस तरह से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और मैं भी देख ही रही थी पूरा पड़ा भी था, इतनी देर में हमारे समोसे आ जाते हैं, अभी खा लो जी जिसको पसंद है समोसे। और हमने तो फुल फन मस्ती की आज पूरा दिन का, आप लोगों को दिखाया भी मार्केट में गए थे क्या क्या हमने किया, क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या क्या हमने देखा। तो भी अगर किसी को भी हमारा व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मेहनत तो बहुत लगती है भाई वीडियो वगैरह शूट करने में, फिर वो डालने में, और बहुत मेहनत का काम है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट भी करके बता देना भी कैसी मेरी वीडियो आप लोगों को, कैसे व्लॉग लगते हैं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और हमने खा लिया जी समोसा, यहाँ पे बच्चे पूरे नज़ारे ले रहे हैं क्योंकि इनको तो जी फाइनली हमारा खाना पीना हो जाता है ख़त्म। और अब हम चलते हैं जी घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।